बोलिए बाजी, बादशाह भाई और हनी भाई, अगर इन तीनों में से किसी एक के साथ आपको ट्रैक करने का मौका मिले तो किसके साथ करोगे? यो हनी सिंह एंड पावर भाई। हनी सिंह इज लाइक, जब मैं को ये कुछ सीन, मतलब बोलते हैं ना, ये जो इंडिया में सीन चालू हुआ है लाइक रैप जो सबके कान में, भले से लोग बोलते हैं हनी सिंह जो करता है वो रैप नहीं है, एक हिसाब से वो पॉप टाइप में वो रैप कर लेता जो चीज़ है, कर लेता हम से सॉरी कर रहे हैं लाइक, ये सब बड़े हैं उम्र की, इज्जत देनी चाहिए सीनियर्स को, तो उनका ट्रैक मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं खुद उनके गाने में एक टाइम पे नाचा, मुंडिया नो कर एक नाचता था, पंजाबी गाने, मैं पंजाबी गाने नहीं सुनता था लेकिन उनके वजह से मैं सुनने लगा रैप, तो अच्छी बात है कि उन्होंने रैप करना चालू किया, जिसकी वजह से इंडिया में लोग भैया भैया भी बोला है वो रैप सुने हो का हनी सिंह करता है, तो वो रैप उन्होंने बिठा दिए, फिर हम लोगों को एक क्वेश्चन किया कि अपन घुस गए इसी मौके पर, अपन ने भी चांस मान लिया, समझ रहे, तो अच्छी बात है, उनके पास क्वालिटी है एंड उनकी चीज़ भी बहुत तगड़ा होता है, तो इट विल बी बिग थिंग अगर कोलैबोरेट हुआ, मस्त हुआ, ठीक है मैं करूँगा, लेके अगर करा तो मज़ा आएगा, अलग ही होगा कुछ, हनी सिंह को कुछ नया फ्लेवर लेगा, ये मज़ा आएगा। योर फेवरेट हनी सिंह रैप जो आपको याद है, जो बहुत पहले सुना था, बहुत पहले वाला एक ट्रैक है, कौन सा यार वो कौन सा गाना, डेड बॉडी है ना सड़ जाना, सब कुछ को है बढ़ जाना, एक गाना यार मेरे को लिरिक्स पूरा याद नहीं, बट वो एक गाना है ब्रिंग मी बैक, और एक है सड्डी मान पत्नी न पड़े तेन यार तेरे, ब्रिंग मी बैक, वो टाइम के वो जो चीज थे ना, पिंडू ना में ना वे आए थे वेखी आए ना राय कोटिया कारा सेक्टर सतारा, दैट वाज लाइक ये मैन, सही है वो सब ट्रैक, सही लगता है, ठीक है। अच्छा